इसराइल मिडिल ईस्ट में सात मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ जहां लेबनान के हिजबुल्ला ने उसे हाइफा में ड्रोन अटैक कर भीषण चोट पहुंचाई है, तो वहीं दूसरी तरफ जबालिया कैंप में दोबारा घुसी इजरायली सेना को भी जबरदस्त टक्कर मिल रही है। और एक छोर से इराक और सीरिया के प्रतिरोधी समूह बार बार इसराइल का रास्ता रोक रहे हैं। और अब इसी कड़ी में इराक के इस्लामिक प्रतिरोधी समूह सराया अवलिया अल-दम ने जॉर्डन में इसराइल के एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। प्रतिरोधी समूह का दावा है कि उसने 14 अक्टूबर 2024 को जॉर्डन की घाटी में इसराइल के एक अहम ठिकाने पर ड्रोन हमले किए। इसके अलावा प्रतिरोधी समूह ने हाइफा में भी दो इसराइली टारगेट्स पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले से पहले 13 अक्टूबर को प्रतिरोधी समूह ने कब्जे वाले सीरियन गोलन हाइट्स में IDF के ठिकानों पर दो ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी ली। इन हमलों के तहत प्रतिरोधी समूह ने ईरान को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया। प्रतिरोधी समूह ने कहा कि कोई भी देश अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करने देगा तो वो प्रतिरोधी समूह का निशाना होगा। हमारे हमले इसराइल तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि अमेरिकी सैन्य अड्डों और इराक और इलाके में उसके हितों पर भी हमले होंगे। आपको बता दें कि इराकी हिजबुल्ला ब्रिगेड सिक्योरिटी ब्यूरो के मुखिया अबू अली अल अक्सकारी ने दो टूक कह दिया है कि इराकी इस्लामिक प्रतिरोधी समूह ऊर्जा क्षेत्र में जंग शुरू नहीं करेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो दुनिया को रोजाना 1.2 करोड़ बैरल तेल का नुकसान होगा और इसे हम सुनिश्चित करेंगे, हम इसका ध्यान रखेंगे, लेकिन केवल अल्लाह ही जानता है कि यमन में हमारे भाई बाब अलमंडेब में क्या करेंगे और ईरान में हमारे भाई होर्मुज स्ट्रेट में क्या करेंगे। वहीं दूसरी तरफ इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ जमाल राशिद ने भी कह दिया है कि वो इसराइल को ईरान पर हमले के लिए अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल करने के खिलाफ है। उन्होंने ये बात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अर्गची के साथ मुलाकात के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इसराइल को तुरंत लेबनान और गाजा पर हमले रोकने चाहिए। इराकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी कि युद्ध का विस्तार पूरे मिडिल ईस्ट को जंग की आग में झुलसा सकता है। इराक का कहना है कि गाजा और लेबनान में जंग वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और शांति के लिए खतरा है। इस विवाद को कूटनीतिक स्तर पर सुलझाया जाना चाहिए। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री ने इराकी राष्ट्रपति के बयान के जवाब में कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और लेबनान में और गाजा में इजरायली आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ है। बड़ी बात यह है कि ईरान के विदेश मंत्री लेबनान, सीरिया और सऊदी अरब और ओमान होकर आए हैं, जहां पर उन्होंने इजरायली हमले के खिलाफ समर्थन जुटाने की कोशिश की। गौर करने वाली बात यह है कि खाड़ी और अरब देश कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक और ओमान में अमेरिकी सेना के बेस हैं और अंदर खाने ये देश अमेरिका की खिलाफत भी नहीं कर सकते। ऐसे में देखना ये होगा कि जब इसराइल ईरान पर हमला करता है तो ये देश हकीकत में उसे रोकने की कोशिश करेंगे या फिर पर्दे के पीछे से इसराइल की मदद करेंगे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने भी दो टूक कह दिया है कि अगर इन देशों ने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान पर हमला होने के लिए करने दिया तो वो इनके तेल भंडारण को जरूर निशाना बनाएंगे।